गीता सरकार में आप लोगों सबका स्वागत है। मैं भी दुर्गा पूजा का टाइम समय है तो मैं एक तो नई रेसिपी आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग बना के जरूर से ट्राई कीजिएगा। एक कच्चू की नई सब्जी है, बहुत लोग इसे अरबी बोला जाता है। इसके सामने पनीर की सब्जी भी फीकी लगेगी, आप एक बार बना के जरूर। अपने परिवार के अनुसार मैं अपना आधा किलो हाफ के जी कचू ली हूँ और इसको छील करके आलू के जैसे फिंगर काटा जाता है उसी तरह से महीन में बारीक बारीक कट की हूँ। उसके बाद मसाला में दो प्याज बड़े बड़े साइज की, अगर प्याज छोटे हैं तो तीन से लीजिए, 8-10 लहसुन की कलियाँ, अदरक के टुकड़े हैं। उसके बाद काजू में उसी के साथ मैं पीसूँगी, दो टमाटर की पूरी मैंने बनाई। उसके बाद मसाला में आधा चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच है तीखी मिर्च, आधा चम्मच जीरे पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और मलाई इसमें और स्वादानुसार नमक और चीनी और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। बड़े चम्मच से मैं 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल ली हूँ और इसमें फिर थोड़े थोड़े मात्रा में देकर के कच्चू को फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करूँगी। कभी हाई फ्लेम में करना, अच्छे से फ्राई करके फिर उसको निकालेंगे। कच्चू मैंने फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने डीप फ्राई नहीं करना है, लाइट ही फ्राई करना है थोड़ा कलर चेंज होने तक। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देख लीजिए ये कलर चेंज होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब मैं बचे हुए तेल में सबसे पहले तेज पत्ता डालूंगी, देख 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची और 4-5 लौंग डाल कर एक तो भून लूँगी। वाइट ग्रेवी वाली सब्ज़ी है इसलिए मैंने प्याज अदरक मैंने आपको दिखाया था पहले और 8-10 लहसुन की कलियाँ, 10-12 टुकड़े काजू, उसके मैं पेस्ट बनाई हूँ वो डाल कर मैं भूनूँगी। मसाला ये प्याज और सब भून लेंगी। अब इसके बाद मैं सब मसाले डालूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीखी वाली मिर्च। आपको जितनी तीखी पसंद है उतना ही तीखी डाल सकते हैं आप। दाल के कुछ देर तक मैं भूनूंगी, जब तक तेल नहीं छोड़ दे तब तक मैं इसको भूनना। उसके बाद मैं टमाटर की पूरी तैयारी की हूँ, इसमें गलती से थोड़ा हल्दी पाउडर चला इसलिए थोड़ा ऑरेंज कलर का लग रहा है। 2 टमाटर मैंने डाला है, 1 जब तक सेपरेट नहीं हो तब तक पर मीडियम आंच पर इसको भूनना है। अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया, आपको जितना इच्छा हो उतना डालिए। उसके बाद घर का फ्रेश मलाई 3-4 चम्मच डाल दिए, मलाई को डाल करके लगातार अच्छे से चलाना है। मलाई पकने का
मसाला मैं भून ली हूँ, इसके बाद आधे चम्मच गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला डालने के बाद कुकर चला करके बस उसमें जितना ग्रेवी बनाना हो उस अनुसार से पानी डाल दूँगी। छोड़ती हूँ और उबाल देख रही हूँ, उबाल आने के बाद मैं इसमें कचू डाल दूँगी। अब देखिए ग्रेवी में उबाल आ गए, अब मैं कचू इसमें डाल दूँगी। ऐसे 5 मिनट ढक करके पकाना, बस इसमें ढक दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद सब्जी रेडी हो गई। देखिए हमारी सब्जी खाने के लिए रेडी है, देख करके लालच आ रहे मेरे को, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं एक जन के लिए निकाल करके दिखा देती हूँ आपको। कबर की सब्जी लगेगी, ऐसे मैं धनिया पत्ता डाल के गार्निशिंग करूँगी। बस ये सब्जियाँ बना कर आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मेरे को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।